Today, I'm at the Indian Habitat Center Convention Foyer. मेरे साथ आर्टिस्ट हैं विभा सिंह, जिनका सोलो शो यहाँ पे हो रहा है. जैसे आप देख रहे हैं, शी इज़ इन्होंने नाथ द्वारा जो है उनकी पेंटिंग करी है, एंड देयर सम अदर आर्ट वर्क. एंड ये जो शो है, दिस इज़ कब है मैम इसकी लास्ट डेट? लास्ट 29th है. एंड देन शी इज़ ऑल्सो गोइंग टू ओपन पाम कोर्ट जो हैबिटेट में, वो कब से होगा मैम आपका? 25th जुलाई से 25th जुलाई. ठीक है मैम. तो आपने कब अपना ये जो आर्ट शुरू किया, कैसे शुरू किया? मैंने इसमें ग्रेजुएशन किया है वनस्थली विद्यापीठ राजस्थान से. ओके. और इसमें मैं करीब 30 ईयर्स से मैं शोज़ कर रही हूँ. मेरे सोलो शोज़ 30 सोलो शोज़ हो चुके हैं और काफ़ी ग्रुप शोज़ हो चुके हैं इंडिया एंड अब्रॉड. बॉम्बे में भी शो किया मैंने, दिल्ली में भी किया, आईफेक्स में, सब जगह शोज़ किए. अच्छा, तो आपको इसमें लाइक जब शो कर रहे हैं तो आप टीच भी कर रहे हैं बच्चों को आर्ट? मैं पहले स्कूल में टीच करती थी, फिर मैंने 2000 में छोड़ के और ये फ्रीलांस शुरू किया. ओके. एंड यू आर एबल टू सेल आपकी पेंटिंग्स? आप बेच रही हैं? हाँ जी. ओके, तो व्हाट इज़ द अप्रॉक्सिमेट प्राइस ऑफ योर पेंटिंग? जिसका इस साइज का जो कैनवस है, इस साइज का 1 लाख से 10 लाख तक का है. ओके. और आपके बायर्स जो हैं कौन लोग ले रहे हैं आपको? जो इंटीरियर्स हैं, पर्सनल भी हैं, इंटीरियर्स भी हैं और फॉरेन बायर्स भी हैं. ओके. ऐसा कोई वाक्य आप बताना चाहेंगी आपके आर्ट लाइफ में, जो किसी आर्टिस्ट से या किसी कलाकार से आप मिले हो और वो प्रभावित हुए हों आपसे? हाँ, मैं एक बार सतीश गुजराल जी से मिली थी, तो उन काफ़ी उनसे मैं प्रभावित हुई थी. मैं बॉम्बे में मिली थी एक शो. ऑलराइट. मैंने भी आई वाज टू वर्क इन द पायनियर न्यूज़पेपर्स, तो मैं भी सतीश गुजराल जी से मिला हूँ. एंड बूटा फैमिली, नरेश कपूरिया जी, जो आर्ट वर्ल्ड के काफ़ी आजकल दिग्गज हैं. सो वी विश मैम ऑल द बेस्ट. एंड व्यूअर्स को आप लोग इधर इंडियन हैबिटेट सेंटर पे आइए. और देर आर लॉट ऑफ एग्जीबिशंस हैपनिंग इन द आर्ट वर्ल्ड. कोरोना में आर्टिस्ट खाली नहीं बैठे और आप उनका काम देखिए, क्रिएटिविटी देखिए. धन्यवाद.